नागपुर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले रुई गांव के निवासी प्रभाकर बोंदाड़े इन पर तेज बारिश में बिजली गिरने से मृत्यु हो चुकी है। पूरा गांव इस घटना से शोकाकुल है। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े इन्होंने रुई गांव जाकर मृतक के परिवार को सांत्वना दी और उन्हें हर संभव मदद करने का विश्वास दिला है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट रुई गांव से। कोरोना कार्यकाल में इलाज के लिए कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े इन्होंने जरूरतमंद को दवाई, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर आदि उपलब्ध करा के दिए थे। सैकड़ों मरीजों को मदद करके उन्हें कोरोना के आतंक से बचा है। चंद्रशेखर बावनकुड़े भले ही आज राज्य में मंत्री न हो, लेकिन वे आज 18 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जरूरतमंदों को अच्छी मदद कर रही है। ऐसी एक घटना नागपुर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाली रुई गांव की है, जहां रुई गांव के निवासी प्रभाकर पोंताड़े ओरिएंटल रोड सर्विस में गार्डनिंग का काम कर रहे थे। उस समय मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान ने दस्तक दी थी। गार्डनिंग का काम करते समय प्रभाकर पोंताड़े इन पर बिजली जोरदार आवाज करते हुए उन पर पड़ी। चमकती बिजली गिरने से प्रभाकर पोंताड़े की मृत्यु हो गई। प्रभाकर पोंताड़े की मृत्यु होते ही पूरे गांव में शोकाकुल माहौल था। हर किसी की आंखें नम थी। बोंदाड़े परिवार में इकलौते प्रभाकर यही अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले थे। आज प्रभाकर की मृत्यु हो जाने से प्रभाकर की पत्नी वैशाली बोंदाड़े, लड़का सूरज और लड़की तनिषा काफी दुखी है। उनके सामने अपने भविष्य को लेकर काफी चिंताएं सता रही है। ऐसे में राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े इन्होंने नागपुर के ग्रामीण रोई में जाकर बोंदाड़े परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी, साथ ही सरकारी प्रशासकीय पूरी मदद देने का वचन दिया है। तहसीलदार की तरफ से 4 लाख, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सम्मान योजना से 2 लाख, अंत्योदय कार्ड, संजय गांधी विधवा पेंशन योजना तथा मृतक प्रभाकर बोंदाड़े के लड़का और लड़की का जीवन संवर्धित करने की बात इस मौके पर भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े इन्होंने बीसीएन समक्ष दी है। इस गांव में आए हुए हम आपको बता दें कि आज से 12 दिन पहले में प्रभाकर उनके ऊपर में बिजली गिरने से उनकी मौत हो चुकी थी और आज राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े उन्होंने यहाँ पे एक विजिट की है। आखिरकार उनके परिवार को किस प्रकार से प्रशासकीय या सरकारी कैसी मदद वे करेंगे और क्या कहना चाहते हैं, सीधा रुख करते हैं चंद्रशेखर बावनकुड़े उनके बावनकुड़े सब ये बताए कि जिस प्रकार से आज ये परिवार पे जो एक पहाड़ गिर चुका है दुखों का, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की सरकारी मदद करना चाहते हो आप? देखिए, बहुत ही कठिन परिस्थिति इस परिवार पर है। जो परिवार चलाने वाले प्रभाकर बोंदाड़े, इनका देहांत बिजली की जो एक्सीडेंट हुआ, बिजली गिरने की वजह से नेचुरल एक्सीडेंट है, यानी जो, और इसमें उनके परिवार में 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। हमने ऐसा निर्णय लिया कि उनके बच्चों को उनके पूरा एजुकेशन जब तक पूरा नहीं होता तब तक हमारी ट्रस्ट उनको मदद करते रहेगी, उनकी पूरी पढ़ाई हमारी ट्रस्ट करेगी। और हमने उनको कहा है कि जो ओरिएंटल कंपनी के तरफ वो काम करते थे, उस कंपनी ने उनकी पत्नी को काम पर लेना चाहिए, ये बात के लिए मैं एग्रेसिवली काम करने वाला हूँ। सरकार की तरफ से जो योजना है, संजय गांधी योजना होगी या फिर गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे अभ्यास बीमा योजना होगी, मुझे आज अंदाजा नहीं कि कौन सी योजना में इस परिवार के साथ न्याय होगा। लेकिन जो जो योजना में न्याय मिल सकता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक, पूर्व पालक मंत्री करके मेरी जवाबदारी, इस परिवार को न्याय देने के लिए प्रयास करना जरूरी है। क्योंकि अगर उनको न्याय नहीं दिया तो उनके घर के 2 बच्चों का क्या होगा, उसके पत्नी का क्या होगा, ये स्थिति है। तो हमारी सबकी जवाबदारी है कि हम उसको न्याय दें। मैं भी यहाँ का विधायक रह चुका हूँ, मंत्री रह चुका हूँ, तो मेरी ज़्यादा जवाबदारी है कि आज जब मैं नहीं हूँ पोस्ट पे,
लेकिन होश में ना रहते हुए भी इन परिवार से मेरे जो पारिवारिक संबंध है पहले से रह चुके हैं। यहाँ पे इमरा माथिकाई जी है, यहाँ पे मारू प्रोशिंगने जी है, सुनील कोड़े जी है, हमारी एक निस्वार्थ फाउंडेशन की ट्रक चलती है, हमारे घोड़े जी है, सचिन घोड़े जी है और बहुत से कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। हम सारे अलग अलग संस्था के माध्यम से इस परिवार को प्राइवेट क्या हेल्प होगी और गवर्नमेंट से क्या होती दोनों तरफ प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम सारे लोग यहाँ है तो निश्चित रूप से न्याय इस परिवार को मिलेगा। तो अब चंद्रशेखर भोंदड़े जी ने बघोबे भाई के साथ बात करते हुए कहा कि भोंदड़े परिवार को पूरी मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासकीय मदद जल्द से जल्द कब इन लोगों तक पहुंचाती है और इन लोगों को कब अच्छे दिन आते हैं और इनका कामकाज कैसे अच्छा होता है, इनके बच्चों का एजुकेशन का पूरा खर्च या ट्रस्ट के मार्फत से किया जाएगा, ऐसी बात भी भोंदड़े उन्होंने की है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।